हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका अपना स्टोरी अड्डा किड्स स्टोरी जंक्शन पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है श्रापित हवेली का रहस्य। मैं बचपन से ही शहर में रहता था। जब मैं करीब 6 साल का था, तब मैं छुट्टियों में गांव घूमने गया। मेरे गांव में एक पुरानी खंडहर हवेली है, जिसमें करीब 75 सालों से वहाँ कोई नहीं रहता है। यह बात मेरे गांव के दोस्तों ने बताया। जब यह बात मुझे पता चली तो मेरे मन करने लगा कि मैं उस हवेली को देखूं। मुझे ऐसी जगहों पर जाना, उनके बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी होती है। मैंने हवेली के आसपास देखा तो पता चला कि वहां पर कोई आता जाता नहीं था। मैंने जब यह बात अपने दोस्तों से पूछा कि यहाँ पर अगल बगल कोई रास्ता नहीं है और कोई भी इसके आसपास क्यों नहीं आ जा रहा है, तो मेरे दोस्त ने बताया यह हवेली सिर्फ पुरानी और खंडहर ही नहीं, बल्कि हवेली एक भूतिया श्रापित हवेली है। तो मैंने बोला, ऐसा तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो। तो मेरे दोस्त ने कहा, यहाँ पूरे गांव में यही मानना है कि यह एक भूतिया हवेली है। इसके बारे में एक पुरानी और सच्ची कहानी प्रसिद्ध है। मेरे मन में इसके बारे में जानने का ख्याल और बढ़ने लगा। मैंने पूछा, क्या है इसके पीछे की कहानी। तब उनमें से एक दोस्त ने बताना शुरू किया, आज के करीब 75 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। उनकी पत्नी का नाम चित्रलेखा था। उस समय डाकुओं के खौफ से लोग डरते थे। डाकुओं की टुकड़ी जिस गांव में घुसती थी, उस गांव को पूरी तरह से बर्बाद कर देती थी। एक बार डाकुओं के सरदार की नजर जमींदार के गांव, धन और संपत्ति पर पड़ी, जिसके बाद उसने जमींदार के घर डकैती डालने को सोचा। इस पर सभी डाकुओं ने हाँ कर दिया। एक दिन वह भी आ गया जो जमींदार ने कभी सोचा नहीं था। डाकुओं ने एक दिन जमींदार की हवेली पर रात में डकैती मार दी। जमींदार ने भी अपनी सुरक्षा के लिए पहले से कुछ सिपाही और नौकर रखे हुए थे, जो डाकुओं की हवेली पे आने पर उनसे लड़ पड़े। क्योंकि जमींदार के सिपाही और नौकर बहुत कम थे और सीमित हथियार के साथ थे, वहीं दूसरी तरफ डाकुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी और अच्छे हथियार के साथ लैस थे, जिनकी वजह से डाकुओं ने जमींदार के सिपाहियों को और नौकरों को कुछ ही देर में मार डाला। यह सब देखने के बाद जमींदार ने सोचा कि इससे पहले कि डाकू हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाएं, उसे अपनी पत्नी और खजाने को छुपा देना चाहिए। फिर उसने उस खजाने को हवेली में ही कहीं खुफिया जगह पर छुपा दिया और पत्नी को एक कमरे के दरवाजे के अंदर एक खुफिया कमरे में छुपा दिया और बाहर से कमरा बंद कर दिया। इसके बाद कुछ ही देर में डाकू हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। इसमें जमींदार की मौत डाकुओं के हाथ हो गई, पर जमींदार ने मरते मरते अपने खजाने का पता उनको नहीं बताया। डाकुओं ने खजाने को बहुत खोजा पर वह नहीं मिला। फिर डाकुओं ने वहां से हवेली की कीमती सामान लेकर वहां से चले गए, पर जमींदार की पत्नी जो एक खुफिया कमरे में बंद थी, उसका पता किसी को नहीं था। उसकी पत्नी बहुत चिल्लाई, लोगों को बुलाने की कोशिश की, कमरे का दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, पर वह कुछ नहीं कर सकी और भूख प्यास से कुछ दिनों में तड़प तड़प कर मर गई। उसके मरने के बाद उसकी लाश की बदबू से हवेली में लोग आए और उस कमरे को तोड़कर उसकी लाश वहां से निकालकर उसका अंतिम संस्कार किया। कहा जाता है कि आज भी वह अपने पति का इंतजार उस कमरे में करती है। उसका पति कभी तो आएगा और उस कमरे से उसको आजाद करेगा। और आज भी उस हवेली में अगर कोई घुसपैठिया या कोई इंसान अंदर चला जाए तो उसकी हवेली में आने की सजा वह देती है। मैंने अपने दोस्त से यह कहानी सुनकर उस पे विश्वास नहीं किया। मैंने पूछा, क्या यार तुम लोग भी ना कब की बात आज तक लेकर बैठे हुए हो, उसका कोई सबूत है तुम लोगों के पास। तो उन लोगों ने बोला, जिन लोगों ने इस हवेली में जाने की कोशिश की और वहां रुकने की गलती की थी, वो आज तक इस सदमे को भूल नहीं पाए हैं। मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ था उन लोगों के साथ इस हवेली में। तब दोस्तों ने मुझे बताया,
एक बार एक अपराधी जेल से भाग जाता है और इस हवेली में आकर छुप जाता है। उसके बाद कोई कुछ नहीं जानता कि इस हवेली में उसके साथ क्या हुआ। बस दूसरे दिन उस अपराधी की लाश हवेली में मिली। मैंने बोला, यह हादसा भी तो हो सकता है। तो उन लोगों ने कहा, एक बार एक चरवाहा उस हवेली में एक रात रुकने के लिए जाता है और रुक जाता है, जो सुबह जिंदा हवेली से तो बाहर आ जाता है, पर तब से आज तक वह पागल है। यह सब बातें सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई उस हवेली के अंदर जाने की, इसलिए हम लोग वहां से घर वापस चले आए। दोबारा फिर मैं कभी उस हवेली को देखने नहीं गया, लेकिन मेरे मन में उस हवेली का छुपा असली रहस्य जानने की इच्छा अभी भी है। कुछ सालों बाद मैं फिर अपने गाँव जाता हूँ और फिर जो कुछ वहाँ हुआ वो सच्ची कहानी आप जल्द ही सुनेंगे इसी चैनल पर। दोस्तों, रोज नई नई कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।